दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरा वीडियो देखने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल वाला बटन दबाकर, ये एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको डायरेक्ट बैटरी से कलर टीवी कैसे चलाएं, इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है कन्वर्टर, तो डीसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। आप इससे 12 वोल्ट देंगे, ये 220 डीसी निकलेगा इससे, और उसे आप टीवी चला सकते हैं कलर टीवी। तो इसको इस विषय में बात करेंगे और इसकी वर्किंग बारे में बात करेंगे, किस तरह ये वर्क करता है। तो ये कन्वर्टर के बारे में बताते हैं। ये कन्वर्टर का सर्किट है, जो कि इसमें आईसी ऑसिलेटर आईसी लगी हुई है SG3524। उसके बाद इसमें मॉस्फेट 2 लगा हुआ है P55, और राइट साइड में P55 और लेफ्ट साइड में P55 है। और इसमें दो ट्रांजिस्टर है BC547 और BC547, और इसमें SM ट्रांसफार्मर है जो देख रहे हैं आप। तो इसी से ये बनता है कन्वर्टर, तो इस विषय में बात करेंगे। ये इसकी बैक साइड की लेआउट है, आप देख सकते हैं किस तरह बनाया हुआ है, और इसके सर्किट के बारे में बताते हैं। चलिए, इसमें पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड किया गया है 10K से, 10K रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया गया है। और पिन नंबर 2 जो है वो 16 नंबर पिन से वो सप्लाई उसको दिया गया है। पिन नंबर 16 पर 5 वोल्ट रहता है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट निकलता है, उसे दिया गया है। पिन नंबर 3 खाली है, और पिन नंबर 4 ग्राउंड किया गया है, 5 भी जो है ग्राउंड किया गया है, 7 जो है ये 38 के रेजिस्टेंस से ये दिया ग्राउंड किया गया है। और इसमें आप वॉल्यूम लगा के या फिर प्रीसेट लगा के इसको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट किया गया है। अगर आपको 50 हर्ट्ज से बनाएंगे ये, तो आपको ये यहाँ पे आप प्रीसेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक प्रीसेट लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और पिन नंबर जो 7 है, पिन नंबर 7 जो है वो है आपका PF लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है 102 का, यहाँ पे 104 लगा के आप फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में कर सकते हैं। उसके बाद 8 जो है ग्राउंड है। उसके बाद पिन नंबर 9 जो है, पिन नंबर 9 में 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के और एक PF कैपेसिटर लगा हुआ है 104 का, ये लगा के ये सप्लाई दी गई है इसमें, ये कंपरेटर बोला जाता है इसको। उसके बाद में पिन नंबर 10 को ये NC है, नो कनेक्शन है। और ये पिन नंबर 10 क्या काम करता है, इसके विषय में बता रहा हूँ आपको। ये पिन नंबर 10 है, ये शट डाउन सिग्नल यहाँ पे आता है। पिन नंबर 10 जो है ये शट डाउन सिग्नल इसमें इनपुट होता है, इसमें हाई वोल्टेज हो जाएगी तो ये स्विचिंग बंद कर देगा, जो इसमें से 11 नंबर और 14 नंबर से सिग्नल जो निकल रहा है उसको बंद कर देगा, और ये इन्वर्टर बंद हो जाएगी। तो ये इसमें कनेक्शन नहीं दिया गया है, और ये इन्वर्टर जो बनाते हैं हम लोग उसमें कनेक्शन होता है। मेन लाइन आएगी तब शट डाउन होगा, लो बैटरी होगा तब शट डाउन होगा, ओवरलोड होगा तब शट डाउन होगा, इसे आपको पिन नंबर 10 में सप्लाई दी जाती है। 11 जो है स्विचिंग आउट होता है इससे, और 12 और 13 इसमें पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है। ये पॉजिटिव का ये इसके अंदर में जो आईसी के अंदर में 2 ट्रांजिस्टर है वो कलेक्टर का सप्लाई है, और 14 से भी निकलता है स्विचिंग जो कि सेकेंड चैनल में जाता है। उसके बाद 15 में सप्लाई है, और 16 तो बताएं ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पे होता है, ये 5 वोल्ट रहता है यहाँ पे। उसके बाद जो सिग्नल जो निकलता है 11 से वो ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होते हुए आपका जाता है P55 पे, या स्विचिंग होता है।
और ये मोसफेट के थ्रू ट्रांसफार्मर में, एसएम ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करता है, जिससे कि 12 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को फिर जो डायोड लगा हुआ है उससे डीसी में कन्वर्ट होता है, इससे कलर टीवी चलता है। और ये डीसी से क्यों चलाया जाता है कलर टीवी, क्योंकि जो हम लोग डीसी देते हैं टीवी में तो डायरेक्ट उसके जो कैपेसिटर है पावर सप्लाई की, वहाँ सप्लाई चला जाता है, और उसके जो डिगोजिंग को एसी वोल्ट चाहिए, लेकिन ये डीसी देता बिल्कुल वो लेता नहीं है, डायरेक्ट कैपेसिटर में चला जाता है उसकी पावर सप्लाई में, और टीवी ऑन हो जाती है, इसे टीवी चलाया जाता है। और ये बहुत बढ़िया सर्किट है, और यहाँ पे आप खुद भी बना सकते हैं सर्किट, अगर हाथ से बना रहे हैं बनाने के बाद में एसएम जो ट्रांसफार्मर, वहाँ पे आप अलग से बेंडिंग करके बना सकते हैं ट्रांसफार्मर, 50 वाट का ले लीजिए चाहे 100 वाट का ले लीजिए, लेके आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, इसे कलर टीवी चला सकते हैं घर पे बना के। बहुत बढ़िया सर्किट है ये दोस्तों। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।